जो है हमारे पत्र देने के बाद मुंबई में अनेक भागों में इलीगल रिक्शा चलती है, विदाउट परमिट रिक्शा चलती है। मालवनी परिसर हो, एमएचबी का परिसर हो, मलाड में अप्पा पाड़ा परिसर हो, ऐसे परिसरों में जहां पर विदाउट परमिट रिक्शा चलती है वहां पर वो तुरंत उनके स्क्वाड आज से लगाने वाले हैं, वहां पर भी हमें कार्रवाई देखने मिलेगी। मोर्चा लेकर आए हैं और ये मोर्चा किस मकसद के लिए लेके आए और आपने अंदर आपकी अंदर क्या बात हुई? निश्चित तौर पर सड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठना एक प्रभावी संगठना जो मुंबई शहर में 40 से 45 हजार रिक्शा चालक मालकों का प्रतिनिधित्व करती है। दहिस्तर स्थित जो आरटीआई आरटीओ कार्यालय है वहां पर जो दलालों की दलालेशाही थी उसे हमको खत्म करना है और यहाँ पर जो अधिकारी है वो अधिकारियों का दलालों के साथ में जो साठगांठ है वो साठगांठ के विरोध में हमने ये यहाँ पर आक्रोश मोर्चा यहाँ पर हमने लाया था। आज मैं हमारे साथ में हमारे मुंबई के अध्यक्ष सन्माननीय विजय मिश्रा, मेरे साथ में यूनियन में काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ पर हमने हमारा शिष्टमंडल हमारे गायकवाड़ जी से हम मिले और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आने वाले 7 दिनों में हमारी जितनी भी मांगे और प्रलंबित काम है वो सभी चीजें पूरी होंगी। साथ में जो दलालों की यहाँ पर दादागिरी और हुकुमशाही चल रही है उसके लिए उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा एफआरआई रजिस्टर किए हैं और जो जो नाम हमने दिए हुए वो सभी नाम उन्होंने यहाँ के एमएचबी पुलिस स्टेशन में उन्होंने उनकी नामों की लिस्ट दी हुई है, उनके ऊपर भी जल्द मतलब उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। साथ में जो हमारे यूनियन के जो प्रतिनिधि थे उनके ऊपर जिन दलालों ने हल्ला किया था उनके ऊपर तुरंत एफआरआई दर्ज करने का भी हमें वादा दिया है। साथ में जो हमारे प्रलंबित काम है जो परमिट से रिलेटेड है, लाइसेंस से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है वो 7 दिन में सभी काम वो करके देने का हमें आश्वासन दिया हुआ है। मगर 7 दिन में अगर ये चीजें हमारी पूरी नहीं हुई तो 8वें दिन यहाँ पर एक विशाल मोर्चा यहाँ पर होगा। आज जो आप लोगों ने लोग देखे हैं वो सब हमारे दहसर बोरीली कांदिवली मलाड के आसपास के लोग यहाँ पर आए थे। अगर 7 दिनों में हमें न्याय मिला नहीं तो निश्चित तौर पर लगभग 10 से 20 हजार लोगों का विशाल मोर्चा हम यहाँ पर निकालेंगे और हमारा निषेध हम यहाँ पर प्रकट करेंगे और जब तक हमारे काम होंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे।